हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग के टाइम में सभी बड़ों को प्रणाम देके छोटे का ढेर सारा प्यार देके आज की ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आज है करवा चौथ, तो जो जो करवा चौथ की व्रत रखते हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जो मेरे से बड़े हो तो उनको ढेर सारा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। देखे मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरा करवा चौथ का लहंगा, सिलाई हूँ अब के बार मैंने, और मेरा इच्छा था पहनने को। पहले तो मैं पहनती थी, अब फिर मैंने पहनना बंद कर दिया था, तो मैंने ये लहंगा लिया है करवा चौथ में, और ये पहनूंगी मैं शाम को, और ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं दिन में पूजा के कथा के टाइम पे ये पहनूंगी। और ये वाली साड़ी मैंने अपने ननद के लिए लाई हूँ बेबी के लिए, और ये वाली ननद की सिंगार की सामान है, जो जो मेरा ननद यूज़ करती है वही वही दी हूँ। बिंदी है और मंगलसूत्र है, नेल पेंट है, और वो है क्लिप जो भी, और अलता और सिंदूर यही दी हूँ, और शीशा कंघी इसी में है एक साथ, तो शीशा कंघी अलग अलग नहीं लिया, ये लिया मैंने। कैसे लग रहे ज़रूर बताना, मुझे ये पसंद आया था तो मैंने ये लिया, क्योंकि जो यूज़ करो तो दो तो ठीक है, यूज़ नहीं करते तो मैं मेहंदी वेहंदी यूज़ नहीं करती वो, तो उसको नहीं दिया। तो ये हो गया उन ननद के लिए, और ये मैं मेरे को दिया, ननद हूँ मैं, मेरी भाभी का मौसी का जो बहू है वो दिए मुझे, और उन्होंने ये शीशा दिए, चूड़ी दिए, और क्योंकि मैं इसमें से सारा कुछ ही यूज़ करती हूँ, और मेहंदी भी उसी की है, मेहंदी दी थी तो मैंने मेहंदी लगा चुकी हूँ, और मेरा मेहंदी हाथ की कैसे लग रहे आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, और कौन कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करना। तो यहाँ पे ये मैचिंग की चूड़ी, और ये एलनार, और मस्कारा, ये काजल, लिपस्टिक, नेल पेंट, बिंदी, ब्लेशर, कंघी, क्रीम, और ये है साड़ी। तो साड़ी को भी थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को, और ब्लाउज मैंने खोल लिया ऑलरेडी कल ही, और ये साड़ी ऐसी है, कैसे लग रहे ज़रूर बताना, और मुझ पे कैसे लगेगा ये भी बताना, और ऐसे मैं थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूँ, और देखो कैसे लग रहे। तो चलो, सब कुछ अच्छा है, और इस तरह से मिलता रहे, और इस तरह से सबकी करवा चौथ पूरी हो, यही मैं प्रे करती हूँ। तो फिर मैं बाद में मिलूँगी, और पूजा का सामान भी मैं लेके आई हूँ अभी, तो ये मैं पहनूँगी जब, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अपने लिए लहंगा के लिए चूड़ी भी लाई हूँ, वहाँ पे है मेरा, और ये है मेरा लहंगे के साथ के लिए गले का सेट, क्योंकि थोड़ा 19-20 कम, और ये गले का सेट मेरा था तो मैं इसीलिए और लाई नहीं, इसके साथ थोड़ा मिलता जुलता है, पूरा नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पहनना है तो इसलिए मैं लाई नहीं हूँ। और इसके लिए मैं चूड़ी लाई हूँ मैचिंग की, ये चूड़ी, और ये है गोल्डन, ये है गोल्डन, और ये तो ये हो गया मेरा इसके साथ साथ की, और इसी गोल्डन के साथ ये पहनूंगी मैं इसके साथ की, तो कैसे लग रहे बताना, मेरा मैच हो जाएगा करके मैं लाई नहीं है, मेरा पुराना चूड़ी है ये, लगभग मेरा 2016 की टाइम। तो मैं देखो तैयार हो गई हूँ, और साड़ी ये वाला डाल दिया है, और मैंने पीछे देखो गजरा खुद ही लगाई, जूड़ा भी खुद ही बनाया, और बेटी ने खाली आईलाइनर लगा के दिया, बाकी मैंने जैसे मैं रोज तैयार होती हूँ यही है मेरा तैयार, और कुछ खास नहीं, और चूड़ी डाल लिया है, और ये वाले चूड़ी मेरा पता है ये वाला न्यू है, और ये वाला 2016 का चूड़ी है, तो रखा था तो मैंने, अब मेरा काम आ गया इसके साथ, कितना ही पहनना है, रोज़ तो मैं पहनती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया, यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है, तो अब मैं जाऊँगी मौसी के घर, जाऊँगी मैं मौसी के घर पूजा करने, कथा सुनने, तो वहाँ जा कर फिर आपसे मिलूँगी। तो चलो तैयार, कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताना कॉमेंट करके, फिर शाम को अर्घ देने के टाइम दूसरा पहनूंगी। तो ये वाली साड़ी में मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, तो मेरा दोबारा कोई पूजा में काम हो जाएगा। तो देखो ये मौसी का लड़के की बहू भाभी, और वहाँ पे उनकी पड़ोसन बैठी है, और ग्रीन साड़ी में मेरी मौसी है, और इसका ग्रीन और पिंक में साड़ी है, और मेरा सबका अलग अलग है, तो
यहाँ पे अभी करवा चौथ का कथा होगी, तो मौसी खड़ी है, करवा चौथ का कथा होगी और इस लड़की की अगले साल करवा चौथ होगी क्योंकि इसकी शादी है जल्दी इसी महीने में, मतलब नवंबर में। तो अभी हम लोग पानी डाल रहे हैं सूर्य भगवान को, मैं डाल चुकी हूँ और मेरा तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और ये है मौसी का पड़ोसन, मौसी तो कैसे लग रहे हैं मौसी को ज़रूर बताना। तो मैं अभी आ गई हूँ पूजा करके मौसी के घर से, तो अब चेंज करूँगी, चेंज करके खाना बनाना है, खाना बना लूँगी, जल्दी जल्दी बनाऊँगी क्योंकि फिर ना एनर्जी कम होने स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए एनर्जी रहते हुए खाना बना लूँगी। तो चलो खाना बनाने का तैयारी करती, पहले चेंज करती हूँ उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो देखो मैंने थोड़ा सा खीर बनाई हूँ और पूरी भी बहुत थोड़ा सा बनाई, यहाँ पे भिंडी की सब्जी बनाई और उसके नीचे चावल है इसमें, और इसमें है पनीर की सब्जी, और कुछ बनाई नहीं क्योंकि थका। तो चंद्रमा तो आ ही चुके हैं लेके हो, और चंद्रमा के साथ फ़ोटो लेके थाली सजा के लेके आई थी नीचे से, और अब मैं पूजा करूँगी। तो चलो पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ पूजा करने, और पूजा कर रही हूँ और मैं पूजा कर लिया, और करने के बाद हस्बैंड को भी पूजा कर दिए देखो, और चंद्रमा साथ ही साथ है एकदम। और अभी कलकत्ता में चंद्रमा आए नहीं, और चंद्रमा को देख के हस्बैंड को देख के पूजा को एंड करूँगी। अपना करवा चौथ का कथा मेरा समाप्त हुआ, पानी पी लिए, समाप्त हुई तो पैर छू के आशीर्वाद लेके, और आप लोग प्रे करना कि ऐसे हम सदा रह सके। तो चलो यहीं पे करवा चौथ का वीडियो एंड करते, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग।